मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के साबिक सदर सलमान इम्तियाज ने भी कुछ रोज कबल कांग्रेस का दामन थामकर अपना सियासी कैरियर शुरू कर दिया है। जिला अलीगढ़ से ताल्लुक रखने वाले सलमान इम्तियाज ने जिला अलीगढ़ कांग्रेस के दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अगर कोई पार्टी मुल्क में भाईचारा, मुल्क की सही तस्वीर दुनिया के सामने और मसाइल को हल कर सकती है तो वो सिर्फ कांग्रेस ही है, इसलिए मैंने कांग्रेस का दामन थामा। जो जिस पार्टी को बेहतर समझता है वो वहाँ जाता है, ये किसी भी इंसान का व्यक्तित्व सोच है। और मुझे ऐसा लगा, जैसे मैंने पहले भी ब्रीफ किया, कि मुल्क के हालात को, प्रदेश के हालात को नज़र में रखते हुए फैसला लिया गया है। और ऐसा महसूस होता है कि अगर कोई पार्टी इस मुल्क में अमन और भाईचारा कायम कर सकती है, इस मुल्क की सही जो इमेज है वो दुनिया के सामने रख सकती है, और साथ ही साथ जो मसाइल हैं, दीगर मसाइल जो पैदा हो रहे हैं इस फासिस्ट हुकूमत में, उसको हल कर सकती है, तो हमारे नज़दीक वो कांग्रेस पार्टी है, इसलिए मैंने कांग्रेस का दामन थामा। रियासत उत्तर प्रदेश में 2022 के इंतखाबात के पेश नज़र ही मुख्तलिफ सियासी जमातें मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में मुस्लिम चेहरों को ढूंढ कर मुस्लिम वोट को हासिल करने की कोशिश करती नज़र आ रही हैं। वहीं मुस्लिम वोटरों का कहना है कि मुसलमानों की हिफाजत और इनके मसाइल को हल कोई नहीं करता। देखिए, कांग्रेस की जो नीतियां हैं उसको आम जन तक उसको आम करना है, साथ ही माननीय प्रियंका गांधी जी जिस तरीके से काम कर रही हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, युवाओं को रोज़गार देने की बात कर रही हैं और प्रदेश में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात कर रही हैं, तो ये मसाइल ऐसे हैं जिसपे आज तक पिछले 7 सालों में बात नहीं हुई। और कांग्रेस शासन में जिसको अपनी बात कहने का हक होता था, आज उसको अपनी बात कहने का हक नहीं है, उसको यूएपीए लगा दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो हमारे नज़दीक, हमें ऐसा महसूस होता है, और ये बात हम नहीं, ये पूरा प्रदेश महसूस कर रहा है, कि माननीय प्रियंका गांधी जी के आने से कांग्रेस पार्टी और मजबूत हुई है। भाई, ये अपने एक मजबूत साथी हमारे साथ आए हैं, तो हम लोग काफ़ी ये विश्वास रखते हैं कि इनके आने से हमें नई एक ताकत और ऊर्जा संगठन को मिलेगी। कांग्रेस के साथियों का जो सैलाब है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसमें और इजाफा होगा, उसमें वृद्धि होगी। वहीं 2022 में इलेक्शन लड़ने से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए सलमान ने कहा, कांग्रेस पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसको बखूबी अंजाम दूंगा, मैं कभी जिम्मेदारी से दूर नहीं भागता। ईटीवी भारत के लिए अलीगढ़ से सुहेल अहमद की रिपोर्ट।